और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। श्री सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बैठक में भी हिस्सा लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मॉनसून सत्र में सरकार बहस से नहीं भाग रही है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कोरोना को लेकर बंद पड़ी मेट्रो सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। मेट्रो में यात्रा के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और कैशलेस ट्रांजैक्शन को अनिवार्य बनाया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना काल में जेईई परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र छात्राओं को बधाई दी है। भारत में कोरोना से जंग जारी है। इससे ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 77.09% हो गई है। अब तक 29 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सरकार के बेहतर प्रयास से कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु दर में भी लगातार कमी आ रही है। इससे होने वाली मृत्यु दर घटकर 1.75% रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 4.55 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। यूएस ओपन प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज भारत के सुमित नागल ने का मुकाबला ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम के साथ होगा।